बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर एट फाइन एंड सेफ एट होम। आई एम योर मैथ्स टीचर मिस मदीहा नास, एंड टुडे वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट पेज ऑफ समर पैक, पेज नंबर 51। आपके पास वैल्यू है, आपने अब इसमें क्या करना है, ये आपकी इक्वल है सेंटर में, तो एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से इक्वल करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख के वैल्यू को रिपीट करना है। अब देखें यहाँ फिर इस तरह साथ ही लेके चलें, लेफ्ट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड को भी, अगर बीच में कोई कटिंग होती है तो कटिंग कर दें, अदरवाइज ऐसे ही लिखें। माइनस टू ओवर थ्री ऐसे रहेगा। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। अब ये दो फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस में सेंटर में प्लस का साइन, आपको पता है जब प्लस या माइनस हो तो हमेशा एलसीएम लिया जाता है, तो आप क्या करेंगे, 5 और 15 का एलसीएम ले लें। 5 ones are 5, 5 threes are 15 एंड 3 ones are 3, तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 5s are 15, यहाँ पे आ जाएगा 15। 15 को 5 पे डिवाइड करूँगी तो 3 आ जाएगा, ऊपर 3 को मल्टीप्लाई कर देना है मैंने ऊपर वाली वैल्यू से 4 से, प्लस माइनस माइनस 15 को 15 पे डिवाइड करूँगी 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 8, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है 2 minus 2 over 3 मल्टीप्लाई बाय 4 over 5, कोई कटिंग नहीं हो रही तो इन्हें आपस में आमने सामने मल्टीप्लाई कर दें, 2 4s are 8 और 5 3s are 15, फिर प्लस ऐसे ही रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये कटिंग नहीं हो रही यहाँ पे भी, इवन ओड कोई कटिंग नहीं हो रही, तो 2 8s are 16 माइनस माइनस प्लस 15 3s are 45, क्लियर है। उसके बाद अब देखें नेक्स्ट क्या है स्टेप, माइनस 2 over 3 ऐसे रहेगा, 3 4s are 12 माइनस 8 over 15 इक्वल टू, यहाँ पे अब माइनस 8 over 15 प्लस 16 over 45, ओपन करके लिख देंगे। अब फिर क्या करेंगे, माइनस 2 over 3 ऐसे ही आ जाएगा, 12 में से 8 माइनस करेंगे 4 over 15, फिर ये 15 और 45 का एलसीएम लेंगे 45 ही आ जाएगा, 45 को 15 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 16, अब यहाँ पे आ जाएगा 2 4s are 8 over 15 3s are 45 इक्वल टू 8 3s are 24 प्लस 16 over 45, माइनस 8 over 45 और नहीं हो सकता तो ये ऐसे ही रहेगा, 24 में से 16 माइनस करेंगे तो फिर माइनस 8 over 45, यानी कि हैंस प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, क्लियर है। सेम इसी मेथड से आपने अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।